जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे और तंदुरुस्त होंगे। आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप मेहनत दिल से करिए, जल्दी से आप सबका सिलेक्शन हो, जल्दी से आप लोग अपनी अपनी मंजिल को प्राप्त करें। हम ऐसी कामना करते हैं आप सबके लिए। यह वीडियो गर्ल्स न देखें, इसमें गर्ल्स के लिए कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, गर्ल्स मेडिकल वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसको देखें, आपको उसको देखकर मदद मिलेगी। यह वीडियो उन सभी लड़कों के लिए है जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन आर्मी के मेडिकल कैंडिडेट के शरीर के विभिन्न पार्ट को बारीकी से चेक किया जाता है, जिसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है जो इस प्रकार शामिल किया गया है। जैसा कि साथी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम बारीकी से अभी आपको बताने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो को साथियों पूरा देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी मेडिकल से संबंधित। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बगल वाली घंटी को भी दबा दे, ताकि आपका हमारी जो भी वीडियो आप तक पहुंच जाए। साथियों, इस वीडियो की हम लास्ट में एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, जो कि अभी तक आप लोगों को गलत और गुमराह किया जा रहा है मेडिकल संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, बने रहिए हमारे साथ। साथियों, ये वीडियो का पहला पार्ट है, वो है बनियन यानी कि गोखरू, जिसे हम लोग आम भाषा में हड्डी की टेढ़ा मेढ़ा, उंगली का सूजना फूलना आदि नाम से भी जानते हैं। साथियों, जैसा कि यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, दो टाइप का इमेज है, जो पैर के निचले हिस्से का है। ये आपका एक इमेज में देख रहे हैं, ये जो भाग निकला हुआ है एक गलत है। ऐसा अगर आप जिस कैंडिडेट को रहता है तो वो मेडिकल अनफिट हो जाएगा और मेडिकल से बाहर हो जाएगा। आपको पास होने के लिए इस प्रकार का पैर चाहिए, तभी आप इंडियन आर्मी मेडिकल क्वालीफाई कर पाएंगे। अगर ऐसा हो तो आप फिर वहाँ पर अनफिट कर दिए जाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखें। सलाह यही है कि किसी कैंडिडेट को ऐसी प्रॉब्लम है तो सर्जिकल डॉक्टर से मिले और इसका सर्जरी इत्यादि करा के, एक्सरसाइज वगैरह करके आप इसे ठीक करें, फिर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो का दूसरा पार्ट है फ्लैट फुट यानी कि समतल पैर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीन टाइप का इमेज है, जिसमें दो बिल्कुल ही गलत है। ये देख रहे हैं, ये आप पूरा ज़मीन में टच कर रहा है, जो गलत है। आप इसे भी देख रहे हैं, ज़मीन में टच तो आगे और पीछे का हिस्सा कर रहा है, लेकिन बीच में पूरा पूरा खाली है। तो ऐसे किसी कैंडिडेट को है तो फिर वह इंडियन आर्मी मेडिकल क्वालिफाई नहीं करेगा और वह डिसक्वालीफाई करके बाहर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें, ज़मीन में पूरा टच कर रहा है और ये भाग ज़्यादा ही उठा हुआ है। आपको हल्का सा कट चाहिए, जो कि सिर्फ इंटरनल यानी कि आगे का हिस्सा का कट होना चाहिए, आपका एक्सटर्नल हिस्सा आपका कट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का नॉर्मल आपको कट होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन हो पाएंगे इस पॉइंट में इंडियन आर्मी में। इस वीडियो का साथियों तीसरा पार्ट है नोकनी, भीतर मुड़े घुटने। इसका मतलब यह है साथियों, आपको जब चेक किया जाएगा इंडियन आर्मी मेडिकल में, तो आपको इस प्रकार खड़ा कर दिया जाएगा और आपका ये घुटना नी जो है चेक किया जाएगा। ये आपका ज़्यादा बाहर या ज़्यादा भीतर तो नहीं है, जिसके वजह से ये जो गैपिंग आता है बीच में, उसमें प्रॉब्लम होता है। इस चीज़ का आपको बारीकी से वहाँ पर चेक किया जाएगा। जैसे आप बैक में इस इमेज से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा गैपिंग है और ये जो बोन है वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ स्ट्रक्चर बना रखा है। और ये भी देख सकते हैं कि घुटना तक सही है नी तक, लेकिन वहाँ से ये गलत तरीका से दिशा ले लिया है। लेकिन आप इस घुटना की बात करें इस शेप की, तो आप देखिए हल्का सा एकदम कट है, बीच में स्पेस है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको इस प्रकार का स्पेस होना चाहिए पैर में, घुटना आपस में सटना नहीं चाहिए, भिड़ना नहीं चाहिए, तभी आप सिलेक्शन हो सकते हैं। इसके लिए साथियों आपको लेटा के या फिर खड़ा करके पूरी मूवमेंट करके डॉक्टर चेक करते हैं वहाँ पे। आपको किसी प्रकार का इसमें कोई दिक्कत या परेशानी है तो आपको वहाँ पे मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और आप मेडिकल से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको नॉर्मल इस प्रकार की पैर होगा, तभी आप सिलेक्शन लेंगे। तो इसका ध्यान रखें, सलाह यही है कि आपको अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो काफ़ी हद तक इसे एक्सरसाइज के माध्यम से इसे आप ठीक कर सकते हैं। तो कोई योगा टीचर से, एक्सपर्ट से आप इसे विचार विमर्श करें और अपना योग करें और इसे ठीक करें तो बेहतर है। साथियों, इस वीडियो का चौथा पार्ट से हुआ है वेरिकोज वेंस, यानी कि आप इमेज में देख सकते हैं ये जो इमेज है ये क्या है, वेरिकोज वेंस यानी कि कैंडिडेट के पैर में इस प्रकार की नस नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार की नस है तो उसे ऑपरेट करा लेना चाहिए और इंडियन आर्मी मेडिकल तभी देना चाहिए। अगर ऐसे आप लेके जाते हैं तो आपको इंडियन आर्मी में डिस्क्वालीफाई कर देगा, आप वहाँ पे मेडिकल कंफर्म नहीं होइएगा। आप जब ऑपरेट करा लीजिएगा तो आपको पर ऐसा हो जाएगा, हो सकता है जो नर्व है वेंस है वो आपको थोड़ा सा ब्लैक हो जाए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा है तो आप प्लीज़ इसको ऑपरेट करा ले और इसे ठीक कर ले, तभी आप इंडियन आर्मी मेडिकल के लिए जाए। इस पर गिर जाएंगे तो आपको मेडिकल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
साथियों, इस वीडियो का पांचवा पार्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है हाइड्रोसेल यानी कि अंडकोश वृद्धि। साथियों, इंडियन आर्मी में जाना है तो आपको हाइड्रोसेल की दो अंडे होने चाहिए, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। एक अंडे अगर होगा आपको वहाँ पे मेडिकल अनफिट करके बाहर कर दिया जाएगा। हाइड्रोसेल दो अंडे वालों को ध्यान ये रखना है कि आपका हाइड्रोसेल में पानी भरा नहीं होना चाहिए, आपका कोई गांठ पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी है तो साथियों आप इसे पहले ही इसका इलाज करा ले, ट्रीटमेंट करा ले तो बेहतर है। आप सर्जरी वगैरह करा के भी जा सकते हैं। हाइड्रोसेल से संबंधित कोई भी आपको बीमारी है तो इसे पहले आप ट्रीटमेंट करा ले, फिर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है। सलाह यही साथियों कि जब कभी आप रनिंग करते हैं या भारी वजन उठाते हैं तो लंगोटा पहन के दौड़े तो बढ़िया है, क्योंकि उसमें आपका हाइड्रोसेल क्या है सेफ और मतलब दबाव के कारण वो अंदर एक एडजस्टिंग सही रहता है। तो कभी भी हार्ड वर्क करते हैं तो लंगोटा लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा, या थोड़ा बहुत आप बढ़ भी गया है तो लंगोटा के वजह से आप उसे थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथ ही यहाँ पे आपका पेनिस, पेनिस का साथ ही ये अगला हिस्सा देख रहे हैं। यहाँ पे आपका जो ऊपर की स्किन होता है ये आगे पीछे होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप मेडिकल में अनफिट किए जाएंगे, क्योंकि ये गुप्त अंग होता है, इसको आगे पीछे होना ज़रूरी होता है साफ़ सफाई के लिए, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगर किसी कैंडिडेट को अगर नहीं होता है तो उसको सलाह यही है कि आप किसी सर्जिकल डॉक्टर से मिले और इसे छोटा सा ऑपरेशन छोटा जो ऑपरेशन करा के इसे ठीक कर सकते हैं। 8-10 दिन बेड रेस्ट लेके फिर आप इंडियन आर्मी मेडिकल ज्वाइन करके कंप्लीट करके आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप मेडिकल देने जाए तो हाइड्रोसेल के लिए जो भी बाल केस होते हैं उसको रिमूव करके जाए तो बेहतर होगा। साथियों, इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पाइल्स यानी कि बवासीर। किसी भी कैंडिडेट को अगर बवासीर की समस्या प्रॉब्लम है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता है। आप जब इंडियन आर्मी मेडिकल के लिए जाएंगे तो आपको इस पोजीशन में कुछ बना लिया जाएगा और आपका जो मल द्वार है उसे चेक किया जाएगा, उस वक्त आपको खांसने के लिए बोला जाएगा और डॉक्टर उसको चेक करेंगे जिससे उसे आसानी से चेक किया जा सकता है इस पोजीशन में। तो इस समय आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। वहाँ पर जैसे आपको सलाह कहा जाता है, एडवाइस दिया जाता है, उसी प्रकार करें तो आपके लिए बेहतर होगा। बवासीर का किसी को प्रॉब्लम है तो पहले इसकी ट्रीटमेंट करा ले, फिर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है। इसे ठीक करने के बाद आप आराम से इंडियन आर्मी मेडिकल दे के आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का सातवां पार्ट से साथियों गायनोकोमास्टी यानी कि पुंस स्तन वृद्धि। जैसे कुछ कैंडिडेट के साथियों देखे होंगे इसका जो चेस्ट की जो बनावट होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ये कुछ विकार विषैला तत्व या विकार तत्व के कारण ये बढ़ता है और होता है, या फिर आपके खान पान या दिनचर्या की वजह से ये कुछ एक बीमारी टाइप का है, इसे हो जाता है। जब तक ये आपका ठीक नहीं होगा इंडियन आर्मी का मेडिकल आप पास नहीं कर पाएंगे। तो सलाह यही है कि आपको इस प्रकार का चेस्ट होना अनिवार्य है, तभी आप जाएंगे तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले, उसे ट्रीटमेंट कराए और एक छोटा कुछ एक्सरसाइज होता है जिसकी वजह से आप इसको बहुत ही कम समय में इसे आप ठीक कर सकते हैं, फिर आप इंडियन आर्मी मेडिकल फाइनल करके इंडियन में आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मेडिकल वहाँ पे मेडिकल कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, बात करें हार्ट की तो आपको हार्ट भी चेक किया जाता है कि आपका पंपिंग का जो गति है वो धड़कन जो चल रही है वो किस गति का है। इसके लिए आपको थोड़ा सा उठक बैठक या फिर थोड़ा शरीर आपको वार्म अप किया जाएगा, वहाँ पर आपको थोड़ा सा उसी स्थान पर रनिंग किया जाएगा, फिर आपका जो धड़कन है आले की मदद से आपको चेक किया जाएगा कि आपका पंपिंग का जो गति है वो कितना है, जो स्पीड चलती है वो कितना है, इस प्रकार से आपको चेकअप किया जाएगा। साथियों, इस वीडियो का अगला पार्ट से हुआ है हैंड फिंगर हाथों की उंगली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं इस प्रकार का किसी कैंडिडेट का हाथ है तो वो मेडिकल क्वालिफाई नहीं करेगा इंडियन आर्मी का। आपका यहाँ तक ठीक है, फिर भी यहाँ भी आपका कट बना है तो भी आप नहीं कर सकते हैं। आपको परफेक्ट होने के लिए आपको इस प्रकार एकदम नॉर्मल उंगली चाहिए, तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो बच नहीं सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर वहाँ सभी प्रकार के मूवमेंट आपसे कराएंगे और आपको बारीकी से चेक करेंगे। आपकी हथेली की हर उंगली को बारीकी से चेक किया जाएगा, हर तरफ मूवमेंट किया जाएगा, मोड़ मोड़ के देखा जाएगा। इसका जो उंगली का जो बीच में गांठ होता है जिसे हम छोटे छोटे बोन होते हैं, इसको भी आपको चेक किया जाएगा। तो आपको इसकी कोई परेशानी या दिक्कत है तो आप फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो सलाह यही है कि किसी कैंडिडेट को ऐसा अगर है तो प्लीज़ वो अपने डॉक्टर से इससे मिले और इसके बारे में बताए और एक्सरसाइज वगैरह के माध्यम से ठीक करे तो बेहतर है। यह पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फायरिंग इत्यादि सिलेक्शन होने के बाद जाएंगे तो इस उंगली से क्या होता है कि ट्रिगर को प्रेस करना पड़ता है, इस प्रकार का जो ट्रिगर होता है राइफल का उसको प्रेस करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट होता है कि यह उंगली आपको काफ़ी मतलब स्ट्रांग और मजबूत और एक नॉर्मल होना चाहिए, इसमें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। इस वीडियो का नौवां पार्ट साथियों पाल्म स्वीट।
जो कि हथेली का पसीना, कितने कैंडिडेट को अगर हथेली में पसीना आ रहा है तो आप इंडियन आर्मी का मेडिकल पास नहीं होंगे, आपको यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जो हाइड्रोसिस नाम से एक वायरस या बीमारी होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। आपको खान पान पर भी ध्यान देना जिसके वजह से ये ऐसा क्यों हो रहा है। सलाह यही है कि जब आप मेडिकल देने जाए तो पाउडर वगैरह का यूज़ करते रहे तो बढ़िया है, क्योंकि उस समय हथेली में ज़्यादा पसीना नहीं आता है, और ज़्यादा पसीना आता है तो फिर प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए, फिर इंडियन आर्मी मेडिकल देना चाहिए और आप फिर इंडियन आर्मी में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर ज़्यादा हाथ में पसीना पैर में आ रहा है तो आपको किसी भी हाल में इंडियन आर्मी का जो मेडिकल होता है आप पास नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो का 10वां जो पार्ट है साथियों, आर्म एल्बो हाथ और कोहनी, इसको भी बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो है नॉर्मल हाथ है, आप यहाँ कोहनी का कट देख सकते हैं, ये जो ये सही नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ गलत टाइप का यहाँ पे कट बना हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये जो एल्बो है इंटरनल मतलब खींच लिया, ऐसा किस लिए होता है साथियों, जब बच्चे में किसी कैंडिडेट का हाथ वगैरह फ्रैक्चर या टूट जाता है तो इस प्रकार का वो अपना स्ट्रक्चर ग्रहण कर लेता है और जो नेचुरल आता है उसको बिल्कुल परफेक्ट रहता है, जो कि नॉर्मल है। वहाँ जो डॉक्टर के टीम होते हैं वो दो तीन डॉक्टर मिलकर आपको इसकी चेक करेंगे, आपके बाजू की सिधाई, टेढ़ापन इत्यादि, एल्बो की बनावट, कट, पूरा चीज़ आपको चेकअप किया जाएगा। आपको कंपन भी चेकअप किया जाएगा, मूवमेंट करके ऊपर नीचे करके, पूरा हाथ को उठा के नीचे करके, पूरे ऑल टाइप का मूवमेंट करके आपको चेकअप किया जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आपको ये एक दूसरे में सटना नहीं चाहिए, जैसे कि आप बाजू पैर में देखे थे नौकनी में उसी प्रकार ये भी नॉर्मल होना चाहिए। इसमें भी आपका किसी प्रकार की प्रॉब्लम या दिक्कत है तो आप इसमें भी क्वालिफाई नहीं करेंगे और आप मेडिकल फिट नहीं होंगे यहाँ पे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ कोई योगा टीचर से मिले और एक्सरसाइज के माध्यम से अगर ठीक हो जा रहा है तो बढ़िया है। अगर इस प्रकार की समस्या है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप डिफेंस लाइन की जॉब छोड़ के कोई अदर सेक्टर में देखेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो इस वीडियो का साथियों जो 11वां पार्ट से वो है शोल्डर यानी कि कंधा। आपका कंधा साथियों एक पैरलर में होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए, जैसे यहाँ से फीता भी रहा है तो यहाँ एक सीध में आना चाहिए, ये नहीं कि ये सीधा ये फीट पर यहाँ होना चाहिए ऐसा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, अगर यहाँ मिला है तो ये ऊपर जा रहा है और यहाँ मिला है तो नीचे जा रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का बिल्कुल सॉलिड और कट होना चाहिए, तभी आप इंडियन आर्मी मेडिकल क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर ऐसा किसी को शोल्डर कंधा है तो वह नहीं कर पाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और ये बात आप जानें और अपने शरीर को इसका गौर करें। अगला पार्ट सा साथियों स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी। हर व्यक्ति का जो स्पाइन होता है उसी के ऊपर उसका शरीर क्या है आधारित है, उसी पर शरीर टिका हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति है, जो कि इसका स्पाइन बिल्कुल एकदम सीधा है, तो इस प्रकार का स्पाइन होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा स्पाइन मिला टेढ़ा मेढ़ा तो मेडिकल डिस्क्वालीफाई करके बाहर कर दिया जाएगा और इंडियन आर्मी वो ज्वाइन किसी भी हालत में नहीं कर सकता है, क्योंकि स्पाइन बिल्कुल सीधा और फिट होना चाहिए। जैसा कि इसका देख रहे हैं जो बनावट है यहाँ भी और ये भी देख रहे हैं यहाँ पे टेढ़ा है, तो इस चीज़ का आपको गौर करना है अपने शरीर के ऊपर कि ऐसा तो कुछ नहीं है। साथियों इसका जो अगला पार्ट्स है वो है स्टैमरिंग यानी कि हकलाना या तुलाना जिसको बोलते हैं। आपका जब मेडिकल चेकअप होगा तो आपको यहाँ पे इस प्रकार का पोजिशन में खड़ा कर लिया जाएगा, आपका चेक जो कंठ ठोकरा होता है उसको स्पेस से चेक किया जाएगा कि आपको क्या समस्या है। आपको एक टेस्ट बुक कुछ लिखा या पढ़ने के लिए बोला जाएगा जिसमें जो भी वर्ड है आपको एक बार में पूरा वर्ड पढ़ना है, ये एक वर्ड एक बार में पढ़ना है, इसके बीच में कोई तुतलाना या हकलाना नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है कोई भी कैंडिडेट तो वहाँ पे वो मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला पार्ट था साथियों टीथ यानी कि दांत, यह भी आपको बारीकी से चेक किया जाता है, आपका जबड़े चबाने के लायक है कि नहीं, आपका जीभ की बनावट कैसा है, आपके दांतों में कोई कीड़ा सरा गला तो नहीं है, आपको बारीकी से चेक किया जाता है। आपको ज़्यादा पीलेपन दांत नहीं होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, तो इसके लिए सलाह साथियों यही है कि आप अच्छे से ब्रश करें, हो सके तो कभी कभी दांतों का भी प्रयोग करें, जो दतमन जिसको हम बोलते हैं उसका प्रयोग करें, वो काफ़ी बेस्ट होता है, हमेशा ब्रश से ना करें क्योंकि आपका हमेशा उससे साफ़ नहीं होता है, क्योंकि वो प्लास्टिक का बना होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, आपके इसमें कोई मसला या गैपिंग ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा दांत नहीं होना चाहिए। सलाह यही रहेगा कि आप मेडिकल जाने से पहले एक मेडिकल जो स्पेशलिस्ट होता है उससे आप मिल ले और अपने दांतों का चेकअप करा ले तो बेहतर होगा। मेडिकल में जाने से पहले आप अच्छे से ब्रश करें और इसे अच्छे तरह से क्लीन करके जाए तो बढ़िया होगा। साथियों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप ज़रूर हमें बताइएगा। आपको मेडिकल संबंधित या फिर और संबंधित एक स्पेशल वीडियो चाहिए सबके ऊपर अलग, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अगला पार्ट से वह है नोज नाक।
इंडियन आर्मी आपका जो नाकों का चेकअप करता है तो उसमें जो हड्डी होता है बिल्कुल सही कंडीशन में बना होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इसका भी सर्जरी करा के भी जा सकते हैं। ऐसे ज़्यादा कैंडिडेट को होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स में ऐसा पाया जाता है तो फिर वहाँ पर अनफिट कर दिए जाते हैं। तो आप इंटरनल उसका सर्जरी करा कर सीधा करके आप जा सकते हैं, बशर्ते फिर से आपका वो हिस्सा निकलना नहीं चाहिए। अगर निकल जाता तो फिर आपको दिक्कत होगा और फिर आप मेडिकल डिस्क्वालीफाई करके बाहर कर दिए जाएंगे। तो इसका भी आप चेक कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट को कि ठीक है कि नहीं। साथियों, इस वीडियो का अगला जो पार्ट है 16 में नंबर टू है आई यानी कि आँख। ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है क्योंकि आपका यहाँ जीटी में जाते हैं तो आपको 6x6 आपको देखने की क्षमता होना चाहिए आई साइड, तभी आप सिलेक्शन मिल पाएगा। और ट्रेडमैन और क्लर्क में जाते हैं तो कम से कम 6x9 होना चाहिए तभी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी इसके ऊपर का आपका कोई सिलेक्शन नहीं है डिफेंस लाइन में, खासकर इंडियन आर्मी में इसका कोई अवसर नहीं मिलता है ऊपर के लिए। आपको ये दोनों है तभी आप इंडियन में किसी ट्रेड में जा सकते हैं। और जीटी के लिए आपको 6x6 आई देखने का क्षमता है तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसको चेकअप कैसे किया जाता है साथियों, आपको 6 मीटर दूरी पे आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है, एक आँख को बंद किया जाता है और जो नीचे का ये नंबरिकल या अल्फाबेटिकली आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है एक दूसरे आँख को अल्टरनेटिव करके, और वहाँ पे आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका 6x6 आँख है जो कि जीडी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और आपको 6x6 नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे, ट्रेडमैन क्लर्क है तो आप 6x9 भी चलेगा। तो इसका आप ध्यान रखें। आपको ये जो भूंगेपन की शिकायत होती है, जो तिरछेपन होता है, आप देख सकते हैं एक ये नॉर्मल आँख है और ये देखिए तिरछे आँख। तो इसके लिए आपको एक बवे पॉइंट लिया जाता है, आपको एक पेन या फिर कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है उस पर आपको देखना है। आपको यहाँ पे मुंडी और सर या गर्दन नहीं हिलाना है, ओनली फॉर जो आँख होता है उसको आपको सिर्फ नचाना है और इसके ऊपर जहाँ जहाँ ले जाएगा उसको देखते रहना है। आपके आँखों में कोई मैला या फिर कोई धुंधला या फिर कोई ब्लड टाइप का चोट फोट नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल परफेक्ट इस टाइप का आँख नेट एंड क्लीन होना चाहिए तभी आप सिलेक्शन होंगे आँख में इस पेंट पे। लास्ट में साथियों, आपको इस तंबू में आपको लेके जाया जाता है जहाँ पे एक टॉर्च की मदद से आपका रेटिना उगरा जो पुतली होता है इसको चेक किया जाता है, कोई मोतियाबिंद की शिकायत तो नहीं है। तो ये थी आंखों की जानकारी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। इसमें साथियों एक सलाह ये है कि जब भी आप मेडिकल के लिए जाए तो 4-5 दिन पहले से ही आप इसको बहुत ही बारीकी से चेकअप करें। आप मोबाइल का कम यूज करें, जो डिजिटल डिस्प्ले होता है इस पर कम देखना चालू करें और हमेशा आंखों में ठंडी पानी से धोते रहे, ये आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। साथियों, इस वीडियो का अगला जो पार्ट है वह है कलर विजन रंग दृष्टि और कलर ब्लाइंडनेस रंग दृष्टिहीनता। यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और इसमें ही कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वो छटते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसके ये बीमारी लाइलाज है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा अभी तक जानने जो स्पेशलिस्ट हैं उनका मानना है। फिर भी आयुर्वेदिक में इसका कुछ दावा कर रहे हैं कि इसका इलाज अभी चल रहा है। जिनका कलर विजन जो कैंडिडेट का ठीक है उनको एक बुक दिया जाता है और इस प्रकार का उसमें कलर रहता है जिसके अंदर आप उसमें लिखावट रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 13, इसमें 16, इसमें 9, 12 और 8 आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस इमेज के माध्यम से आप इसको पहचान जाते हैं तो आपका कलर विजन बिल्कुल परफेक्ट है और आप सेफ है और आप सिलेक्शन ले सकते हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जिनका कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है वो एक कलर में तो देख सकते हैं लेकिन जब मल्टीपर्पज़ कलर की बात करें तो उनको ये चीज़ दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर वो मार खा जाएंगे और वह डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। आपको इसका स्पेशल वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इस पार्ट का जो अगला भाग है वो है ईयर कान। कान आपको एक मशीन के द्वारा के सहारे आपको चेकअप किया जाएगा, इसमें आपको चदरा का चेकअप किया जाएगा, कुछ कान साफ़ है या फिर नहीं कि कोई गंदे फंदे तो नहीं बैठे इसका चेकअप किया जाएगा, आपके सुनने की क्षमता क्या उसको भी चेकअप किया जाएगा। तो इसके लिए सलाह साथियों ये रहेगा कि आप मेडिकल जाने से पहले एक बार कान को हल्का सफाई जरूर करा लें, वो भी स्पेशलिस्ट से, कोई गहरे गुरे से सफाई ना कराए, वहाँ पर आपको फायदे के बदले आपको नुकसान हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखें। साथियों, अगला जो पार्ट है वो है टैटू। टैटू को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है तो मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। यहाँ पर इस हिस्से जो ये पार्ट देख रहे हैं, इस हिस्से में आपका कोई भी टैटू है तो ये आपका चल जाएगा, ये आपका मान्य है, इस प्रकार का छोटा टैटू मान्य है। लेकिन इसके अलावा कहीं भी आपका टैटू है तो ये आपका अमान्य है, चाहे वो पीठ में हो या फिर आगे पीछे कहीं भी हो, आपका वहाँ पे मेडिकल आप फाइनल नहीं कर पाएंगे, आप रिजेक्ट करके बाहर कर दिए जाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखें। सलाह यही है कि आप कोई सर्जिकल डॉक्टर से मिले, आजकल नए नए तकनीक आ गया है, कहीं आपको ये चीज़ दाग मिटा दिया जाए तो बढ़िया है। साथियों, कुछ धर्म रीति रिवाज के हिसाब से कहीं पे टैटू बनाना मतलब मान्यता दिया गया है आर्मी मेडिकल एसओपी के हिसाब से, तो अगर उसके कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप चल जाएगा, वो भी छोटा टैटू होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के अदरवाइज आप अलग प्रकार के टैटू बनवाते हैं तो आपका मायने नहीं होगा, इसका ध्यान रखें। साथियों, इस वीडियो का सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका हाइट और वेट। आपका लंबाई वजन
आपका लंबाई तो पहले चेक हो ही जाता है, फिर से एक बार मेडिकल के दिन आपको चेक किया जाता है, आपका वेट किया जाता है कि आपका जो हाइट है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे वेट है कि नहीं। आप देख सकते हैं वेट का चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप वीडियो रोक के इसके स्पष्ट इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें साथ ही ये देखा जाता है आपका जो हाइट है और उम्र है उसके अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए। साथ ही अब हम वो बात बताते हैं जैसा कि हम वीडियो के शुरू में बताए थे कि एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, तो वह महत्वपूर्ण जानकारी साथियों यह है कि साथियों अभी तक जो आप वीडियो देखे हैं इसमें कहीं भी आप एक्सरे, ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट या फिर स्क्रीन आदि का प्रयोग नहीं किया गया, कहीं भी आपका प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। और ये जानकारी आपको गलत तरीके से यूट्यूब के माध्यम से आपको दिया जा रहा है जो कि एक गुमराह करना है, तो ऐसे जानकारी किसी को नहीं देना चाहिए। इसमें बच्चे क्या गुमराह होते हैं जो इस मेडिकल के पैदान तक नहीं पहुँचते हैं, यह उनके लिए होता है जो साथियों रिमेडिकल के लिए वो चुने जाते हैं, जिनका एक बार में मेडिकल फाइनल नहीं होता है दोबारा मेडिकल के लिए जाते हैं, वो भी गंभीर स्थिति में उनको लिया जाता है। ऐसे आर्मी के डॉक्टर इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपको देख के ही बता देंगे कि आप इंडियन आर्मी के सिलेक्शन होने लायक है कि नहीं। तो इसी का ये चीज़ आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। मेडिकल कराते वक्त ब्लड यूरिन टेस्ट एक्सरे स्क्रीनिंग ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, आपका रीमेडिकल में लेगा तो भी गंभीर स्थिति में लिया जाएगा, नहीं तो रीमेडिकल में भी नहीं किया जाता है। तो साथियों ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने अभी आपको बताया मेडिकल से संबंधित। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो वो भी हमें आप जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद साथियों।